मिर्ची बॉलीवुड। इन दिनों कपिल शर्मा अपने कॉमेडी शो से ज्यादा हाल ही में किए गए ट्वीट्स को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें उन्होंने गालियों की बरसात कर दी थी। इसी के साथ उनका एक वेबसाइट के एडिटर के साथ ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई थी, जिसमें कपिल भद्दी भद्दी गालियां देते सुनाई पड़े थे। कपिल के इस ऑडियो को सुनकर लोग हैरान रह गए, जिसके बाद हर तरफ कपिल की चर्चाएं जोरों पर है। वेल, बात करें कॉमेडी किंग कपिल के नए शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा की, तो लोगों को इस शो से काफी उम्मीदें थी, लेकिन बीते 25 मार्च को शो लॉन्च होने के बाद इस शो को लोगों से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। यही नहीं, रानी मुखर्जी के साथ शूटिंग कैंसिल करने के बाद शो का कोई एपिसोड शूट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बीते हफ्ते इसका टेलीकास्ट भी नहीं हुआ है। इसी वजह से शो को ऑफ एयर करने की चर्चाएं इन दिनों तेज है। वहीं बार के 13वीं हफ्ते की टीआरपी रेटिंग देखी जाए तो ये शो टॉप 10 की लिस्ट से ही बाहर हो गया है। हालांकि शहरी इलाकों की टीआरपी में ये शो टॉप 10 नंबर पर है। एक वो वक्त था जब उनका पुराना शो कॉमेडी नाइट विद कपिल टॉप पर हुआ करता था, लेकिन इन सब चीजों को देखकर यही लग रहा है कि इन दिनों कपिल के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। वेल, हम तो यही चाहते हैं कि कपिल एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में वापस आएं। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।